देन यू गोना नीड सम ब्रश, ये आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है इसकी हम हैक बता देंगे। बेसिकली टायर्स ही सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं क्लीन करना, पूरी बाइसिकल क्लीन कर सकते हैं, टायर इजिली क्लीन नहीं होते हैं, उसकी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। थोड़ा सा इस पे कोट कर दिया, थोड़ा चेन पे कोट कर दिया। सो बेसिकली समझ लो आपके पास वो कार क्लीनर नहीं है, दिस इज द मेन टेक्निक। आपको जो ये टायर है यहाँ पर ले ले मामा, ले ले भाई भाई उधर। हे गाइस, दिस इज फैट बिग वेव। Today we have a very dirty bicycle over here and इसको हम क्लीन करेंगे and we'll make it look like these bicycles. Even though ये वाली जो बाइसाइकिल है this close to 4 to 5 years old, ये चलो फिर भी नहीं है। वो वाली बाइसाइकिल even though इस पर धूल लगी हुई है थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसके टायर नोटिस करेंगे these are shining and हम अपनी साइकिल इसी हिसाब से क्लीन करेंगे कि बिल्कुल नई लगेगी बाइसाइकिल। First let's check it outside and देखते हैं हम क्या क्या स्टफ लगेगा आपको क्लीन करने के लिए बाइसाइकिल। बेसिकली जब आप राइड करके आते हैं ना, आपकी साइकिल अगर मडी हो जाती है यहाँ पर तो उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी गीली मड है वो इजीली साफ हो जाती है, अगर वो सूख जाती है तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। सो दिस इज एक्चुअली अ फिटट्रिप बैड बॉय मार्क 2। ये मैंने स्पेशल मंगाई थी, मैं उनको बोल था साइकिल भेज दो, वो साइकिल साफ थी, मगर काम करो गंदी करके भेजो, कीचड़ वीचड़ में लिटा दो इसको, मतलब स्पेशल दिख रहा है कि भाई जान की गंदी करी गई है साइकिल। चुप नहीं होएगा यार ये, अब पूरे वीडियो भौंकने की आवाज आएगी, मैं उसकी आवाज कम कर सकता हूँ। एक टेक्निक है और थोड़ी तो कम हुई। Now let's see कि what are the tool that you're gonna be needing। ये मेरी थोड़ी सी cleaning kit है जो मैं regularly use करता हूँ। You need some kind of diesel or a degreaser। Then you're gonna need some brush for the tires। ये थोड़े से extra brushes हैं जिनकी आपको need नहीं होगी, लेकिन अगर आप proper cleaning कर रहे हैं तो उसकी need होती है। ये भी हम बाद में use करेंगे। Then there is a sponge। अगर आपके घर पे ये है तो ये भी use कर सकते हैं। And there is a toilet brush जो कि मैंने अलग से chain cleaning के लिए use कर रखा है। This is a chain cleaner। ये आपको requirement है या नहीं है इसकी हम hack बता देंगे कि बिना ऐसे कैसे clean करना है, इसके साथ कैसे clean करना है। अगर आपके पास chain cleaner नहीं है तो आप ये टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा चीप वे होती है अपने साइकिल क्लीन करने का। सो द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज टू क्लीन ऑफ द मड। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं ये हम आज पाइप से क्लीनिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वाटर सेव हो तो मैं उसकी ऑलरेडी क्लीनिंग की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हम सिंगल बकेट से, क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला डब्बा, जिसमें सिंगल डब्बे से पूरी साइकिल क्लीन कर चुके हैं। सो लेट्स टेक दिस, इसको ऑन कर देते हैं एंड राइट अवे यू कैन सी कि इसमें थोड़ी सी बर्न ऑलरेडी निकलनी शुरू हो चुकी है, even though that was intentional। बेसिकली टायर्स ही सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं क्लीन करना, आप पूरी बाइसाइकिल क्लीन कर सकते हैं, टायर इजिली क्लीन नहीं होते हैं, उसकी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। जब सर्दी में साफ करते हैं इतनी कोई दिक्कत नहीं आती साइकिल साफ करने के लिए, जब गर्मी में साफ करते हैं एक दिक्कत आती है, आप इसको वेट करते हैं इसे तो इसे मड ढीली हो जाती है फिर सूख जाती है, तो इसको वापस गीला करते रहना पड़ेगा हमें। भाई कितनी मड नीचे दिखा, कितनी मड है, जितनी मैं साफ करूंगा उससे ज्यादा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। हम बकेट तो बताने भूल गए मेन चीज, जिसमें हम सोप सॉल्यूशन बनाएंगे एंड दिस इज अ स्क्रबर, ये भी हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ले लेता हूँ एंड इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, दिस इज एक्चुअली अरोड़ा लेमन। जैसे हम अरोड़ा लेमन डालेंगे देखिए कितनी ज्यादा फोम बन जाती है, दिस इज एक्चुअली नॉट अरोड़ा लेमन। इवन छोटी सी मतलब मुझे जल्दी पड़ती है तो इसमें डिटर्जेंट मैंने डाल दिया है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, इजी यूज कर सकते हैं, हमने इसमें क्या डाला है भूल गया नाम, जो भी है चीजें डाल सकते हैं, बस इसको किसी को पीने मत देना। इससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, हमारी जो ड्राइव ट्रेन है हमें उसको डीग्रीस करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे डीजल एंड डीजल को यूज करने के लिए हम यहाँ डिस्पोजेबल कप यूज कर रहे हैं ताकि कम हमारा डीजल वेस्ट हो एंड थोड़ा सा इसके ऊपर कोट कर देना है। आपकी पूरी चेन होगी वो कोट करनी है। एक चीज़ का करेंगे जब आप इसको कोट करेंगे कोशिश करके ब्लैक पीवर करें, बिकॉज जब भी आप इसको कोट करेंगे इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे ब्लैक कलर का रेसिड्यू आपके ड्रेस के ऊपर आएगा। मेरी 5 से 6 डिशेज इसी वजह से खराब हो चुकी है, हमेशा भूल जाता हूँ। एंड कोशिश करके इस पर टेक्निक है, आप यहाँ पर डिग्रीज ना करें, आप यहाँ पर डिग्रीज करें, क्यों, जैसे आप डिग्रीजन यहाँ पर डालेंगे जैसे डीजल हम डाल रहे हैं तो ये सारे यहाँ पर गिर जाएगा एंड यहाँ से थोड़े से परमानेंट मार्क्स बन जाते हैं एंड थोड़ा सा हम कैसेट पर भी लगा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा वर्कआउट करने देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लगने देंगे एंड तब तक मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ जिससे आप साइकिल की चेन की क्लीनिंग कर सकते हैं। दिस इज अ चेन क्लीनर डिवाइस। ये अगर आपके पास है नहीं है कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, नहीं है तो ऑब्वियसली आप ब्रश यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं ऐसे करके चेन को लगा लेते हैं एंड देन इसको यहाँ पर कवर कर देते हैं एंड इस पे हम थोड़ा सा डीजल डाल देंगे। तो आप डीग्रीजर भी यूज कर सकते हैं, काफी चीजें केरोसिन से भी कवर कर देते हैं, कई लोग WD-40 से भी यूज करते हैं, लेकिन डीजल इससे प्रेफर करा जाता है, दिस इज अ चीपर वर्जन एंड इससे कोई नुकसान नहीं होता आपकी चेन को। WD-40 से अगर आप लुब्रिकेंट गलत यूज कर लेते हैं उसके बाद तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है।
इसमें आपको थोड़ा सा रेसिड्यू आ जाएगा। तो इसके लिए, इसका रेसिड्यू निकालने के लिए सिंपल ऑप्शन यही होता है, यहाँ पर आए टैप के बाद इसको वॉश कर दो, बस सारा रेसिड्यू वॉश हो जाता है। बहुत ही क्लीन वे होता है साइकिल की चेन क्लीन करने का, एंड इससे प्रॉपर भी क्लीन हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया, हो सकता है आपके पास ये ना हो, इसके लिए हम टूथब्रश यूज करेंगे। एंड जैसे पूरी चेन आप क्लीन कर लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा डिग्रीज भी हो जाएगी एंड ऑयल भी इसका साफ हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जॉकी अगर आप देखेंगे, जॉकिंग व्हील, तो यहाँ पर स्पेशली आपको क्लीन करना है। देन जैसे ये होगा सारा क्लीन आउट, हमें वाटर लेना है एंड अपनी ड्राइव ट्रेन क्लीन कर देनी है। कई लोग कहेंगे प्रेशर वाटर यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। आई वुड से प्रेशर वाटर यूज ना करो, नॉर्मल आप होज यूज कर सकते हो एंड स्प्रे मोड में कर सकते हो। सो ऐसे करके बस बैक पेडल कर दो, आपका सारा डीजल क्लीन हो जाएगा। दिस इज अ फोम वॉश दैट आई क्रिएटेड रिसेंटली, आप लोगों को याद होगा मेरे पुरानी वीडियो में। ये जो आप हाउ टू क्लीनिंग वीडियो देख रहे हैं आज, इसका भी हम नेक्स्ट वर्जन निकाले, इसमें हम फोम वॉश भी करेंगे। इससे जो सारा डीजल का रेसिड्यू होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। स्पेशली जब मैं इसको जॉकी व्हील के आसपास डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा ये क्लीन हो जाता है। साथ में अगर आप ये, जैसे ये कैसेट है, इसको क्लीन करना बिल्कुल भूलना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। देन एक बार इसको रिंस कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया समर्स के टाइम पे ये सूखना स्टार्ट हो जाता है एंड इसको बार बार गीला करना पड़ेगा। हमें गीला कर देंगे तो ये इजी रहेगा हमें क्लीन करना। एंड साथ साथ मैं यहाँ पर ड्राइव ट्रेन पे भी थोड़ा सा सोप वाटर स्प्रे कर देता हूँ, इससे भी सारा ये जो पुरानी डीजल है वो निकल जाएगा। मेरे पास ये वाला ब्रश है, इस पर मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा फोम यूज़ कर लिया, थोड़ा सा इस पर कोट कर दिया, थोड़ा चेन पे कोट कर दिया। एंड स्पेशली इस वाले ब्रश से मैं कैसेट क्लीन करता हूँ, ये बहुत ही जल्दी एक साथ क्लीन कर देता है। ये हमारी ड्राइव ट्रेन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है, फिर से रिंस कर देते हैं। बाय द वे, अगर आप ये देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम टोटल, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ा सही लगा है मुझे, रिसेंटली मैंने लिया। इसमें क्विक रिलीज का ऑप्शन होता है, स्टॉप वॉल्व है, ये स्टॉप हो जाता है एंड इसको यहाँ पर ऐसे लगा लो, वहाँ से भी उतर जाता है बड़ी ईजिली। एंड एक्सटेंड करनी होती है होस, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। ये कई बार क्लासिक मिस्टेक होती है कि आप एक ही साइड से कई बार साइकिल रेंज कर देते हैं एंड दूसरी साइड से नहीं करते। यू डोंट एक्चुअली नीड अ स्टैंड ओवर हियर, आप वैसे भी इसको जमीन पे रख के भी साफ कर सकते हैं। एंड अगर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ साफ करनी है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें सिंगल उससे मैंने साफ करने दिखाया था। दिस इज अ प्रॉपर वॉश, इसमें प्रॉपर ही करेंगे। नाउ वी हैव दिस, दिस इज अ कार वॉशर स्पॉन्ज। थोड़ी और अरोड़ा एलिमेंट डालनी पड़ेगी, फोम अच्छी नहीं आई है, हमें डीप फोम चाहिए। एंड इस टाइम की हम फोम से क्लीनिंग करें अपनी साइकिल की। एंड जैसे मैं क्लीन करना स्टार्ट करेंगे, सारी हमारी डर्ट है वो निकलने लगेगी। सो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से, मैं कई बार टायर क्लीन नहीं करता इस फोम से क्योंकि गंदी जाती है। सबसे पहले हैंडल बार क्लीन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टॉप पार्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा क्लीन रहना चाहिए। ग्रिप्स जो होती है आपकी, वो बहुत अच्छी तरह क्लीन करनी चाहिए। देन यहाँ पर टॉप, फॉक का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, पूरा नहीं करेंगे। देन फॉक का नीचे वाला हिस्सा लेंगे, लेकिन टायर्स नहीं करेंगे, ऐसे में दूसरी साइड पर कर देता हूँ। देर इज़ अ शॉर्ट हैक दैट आई यूज़, यहाँ पर एक ट्रे लगे होते हैं, मैं इसमें बकेट रख देता हूँ, ज़्यादा झुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये दूसरी साइड से भी हम इसको क्लीन कर देते हैं। नोटिस करना, हम ये वाला पार्ट यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसका हम आपको बाद में बताएंगे। स्टैंड को भी क्लीन कर देते हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लीन करनी है। अगर दिस काइंड ऑफ कंप्लीटेड, चेन्स से भी कई बार आप छोड़ सकते हैं, वो भी आप ब्रश से कर सकते हैं बाद में। रिंस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज समर्स का टाइम है, ये सूख ही जाएगा, सूखने से पहले इसको साफ ही कर लो भाई। कई लोग क्या करते हैं, अगर समझ लो आपको एक वॉशिंग करें तो पूरी साइकिल एक साथ साफ कर सकते हो। मैं जनरली स्टेप्स में कर रहा हूँ, स्पेशली जब मैं इसको फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं साथ साथ इसको वॉश कर रहा हूँ। डूड फिट ट्रिप यहाँ पर कितना मजेदार सा लग रहा है, बॉस जन है यहाँ पर, तो स्टेल्थ लुक्स हैं इसकी साइकिल की भी। सो बेसिकली समझ लो आपके पास वो कार क्लीनर नहीं है, मैं वो उसका दिखाता हूँ, उसका भी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, काफ़ी मजेदार सी चीज़ है। अगर आपको ये नहीं है तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हार्डली 20 रुपीज़ का आता है, क्या कहते हैं उसको, किचन स्पॉन्ज स्क्रबर जो भी है, मेरे को क्या पता, मैं देखा मुझे अच्छा लगा मैं ले लिया, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फोम वाली साइड होती है, इसमें हार्ड वाली साइड होती है। ये वाला साइड आप यहाँ पर भी टायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बस एक चीज़ करना, मम्मी से पूछ के लेना, वरना आपको बर्तन की तरह धो सकती है। एंड इससे बड़ी अच्छी फोम वो बनती है, देखो मेरे को लगता है मेरे को इससे साफ करना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा है, ये बहुत सही वॉश कर रहा है यार, और फोम भी काफ़ी क्रिएट कर रहा है। एंड इससे एक भी फायदा है कि आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हो। बस एक दिक्कत थी, जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था ना, इसको चेन से टकराता था, ये फट जाता था फोम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड इसमें हम टायर क्लीन करेंगे। ये बहुत ही सही ब्रश आता है, इसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोसेस को कोट कर देना है एंड एक एक करके हम टायर करेंगे। तो दिस इज द टायर, पे पहले साइड वॉल पे कर दिया, साइड वॉल पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट होती है। अब इसके अंदर साफ करने के लिए दिस इज अ रिम ब्रश, ये स्पेसिफिक टूल है, ज़रूरी नहीं है, मेरे पास गाड़ी के अलॉयज होते हैं तो उसके लिए यूज़ आता है, तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। वरना आप अपना, जैसे मुझे लगता है मिल्क ब्रश भी यही होता है ना बॉटल क्लीनिंग के लिए, इस टाइप का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर हब पे यूज़ कर सकते हैं, हब के अंदर वो इजीली चल जाता है, टूथब्रश भी जा सकता है। एंड स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर भी बहुत इजीली ये चला जाता है। अथर्व आ गया, साइकिल वॉश करेगा। सो ही इज माय नेफ्यू एंड थैंक गॉड ये आ जाए यहाँ पे देखने के लिए। मामा साइकिल वॉश कर रहे हैं, देखोगे वो वाली भी करूँगा क्लीन। देन ए ब्रश, नहीं दिस इज द मेन टेक्निक, आपको जो ये टायर है यहाँ पर इसको ब्रश करना है एंड इससे आपके जो अंदर के टायर हो गए ना वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली। करेगा साफ, यहाँ पे डिप करो, हाँ ये वॉश करो। चाइल्ड लेबर हैपनिंग राइट नाउ, केस मत करना मेरे ऊपर। नाइस, सच में क्लीन कर रहा है। अब मामा क्लीन कर ले, ठीक है नानी पास चले जाओ, बाय। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो ब्रश है ना आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एनी वे इसको रिंस कर देते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे क्लीनिंग करी है एंड आप ऑलरेडी देख सकते हैं कितना नया टाइप का लग रहा है। ये बड़ा सही चीज़ है ये, अगर आपको देखो बंद करना हो, कम पानी चाहिए इतना, फुल पानी चाहिए इतना और खोल देना हो इसको प्रॉपर। क्या कह रहे हो, कुछ ना कुछ बोल के गया मुझे पक्का, ये सुना के गया होगा। कह रहे पूरे दिन तो सफाई करते नहीं, आज पहली बार कर रहे हो। हाँ वो क्लीन है, बस अब यूएस जा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा सच में जा रहे हैं। सो आप फ्रंट टायर देख सकते हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लीन है, विल क्लीन द नेक्स्ट टायर। एक चीज पता क्या होता है, साइकिल में किसी और के साफ कर रहा हूँ, सच बताऊ ना मजा बहुत आता है क्लीनिंग करने में, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है खुद क्लीन करने में। एक्चुअली जो सेम टेक्निक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये अपनी गाड़ी में भी यूज करता हूँ, तभी आप नोटिस करते हो अलॉय हमेशा के चमकते रहते हैं, दैट आर फ्रॉम न्यू व्हील्स एंड न्यू व्हील के साथ मेरे एक और कोलैबोरेशन भी होने वाली है, बहुत ही अवेक अलॉयज आएंगे दो तीन दिन में अभी। अब अथर्व हमारे लिए क्लीन करेगा, आ जाओ अथर्व। मम्मा को बुलाओ, मम्मा आ जाइए पहले आप तो करो। वेरी नाइस, ये दे दो छोड़ो, हाँ वहाँ क्लीन करो, बच के रहियो भाई, ये तेरे ऊपर डाल देगा पता नहीं लगेगा। ले ले मामा ले ले, भाई भाई उधर उधर उधर, थैंक यू। ये माइक पड़ा हुआ उड़ेगा सीधा ये। एंड दी साइकिल इज ऑलमोस्ट क्लीन, मैं एक बार इसको वापस से रिंस कर देता हूँ, जान के मैं गीला कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड एक बार हम स्पॉट्स रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज अ माइक्रोफाइबर टॉल एंड आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं, एंड अपना जो फ्रेम है ना इसको वाइप कर दो, वाइप इट क्लीन एंड सारी स्ट्रीक हट जाएगी इससे, एंड जो आपकी साइकिल फाइनल होगी ना वो काफी ज्यादा क्लीन आएगी। एट दिस पॉइंट टायर्स में नहीं सुखा रहा हूँ बिकॉज टायर थोड़े से डर्टी होते हैं, क्यों अपना क्लोथ करना करना। वीडियो एंड नहीं हुई है, हमें और भी चीजें करनी है, मैं भी कैमरामैन को अपना ऑफ दे रहा हूँ बिकॉज हमें साइकिल ड्राइव होने के लिए टाइम देना है एंड साथ साथ हमें चेन को भी लूप करना है, इसको ड्राइव करनी है। ये लो, जब तक हमारे भाई साहब यहाँ पे क्लीन करने में बताया, तो पहले मैं स्टार्टिंग में जो ब्रश होता था ना डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर लगाता था, क्लीन तो बहुत ज्यादा इजीली होता था, लेकिन अगर आपको समझ लो ये ब्लैक कलर है इसमें आपके स्क्रैचेस नहीं आते, लेकिन आपको कलर वैसे की होगी उसे काफी ज्यादा स्क्रैचेस आते, तो ब्रश कोशिश करके ना यूज करें ज्यादा। ये पीछे का बॉटम ब्रैकेट जो पार्ट होता है इसको हमें ब्रश से जरूर क्लीन करना है, यहाँ काफी ज्यादा गंद होता है। अब इसको क्लोजअप में देखो ये कितनी ज्यादा साफ लग रही है, एंड पहले आप देख रहे थे कितनी ज्यादा ये मडी थी, दिस इज लाइक अ ब्रांड न्यू बाइसाइकिल नाउ। ना उसको मैं थोड़े से आधा घंटा या एक घंटा इसको ड्राइव होने में लगा देता हूँ, हमें जो चेन है उसको ड्राइव होने में हम टाइम देंगे, ज्यादा ड्राई करेंगे तो रस्ट आ जाता है। अब टाइम आता है कि हम साइकिल में ऑयलिंग करते हैं, जो हमारी चेन होती है उसमें हम ऑयल डालेंगे क्योंकि ये सूख चुकी है, आप ऑयल एक एक लिंक पे भी डाल सकते हैं एंड जैसे हम थोड़ा सा इसको थोड़ देंगे थोड़ी देर तक एंड इसके बाद इसको वाइप ऑफ कर लेंगे। ऑयल को वाइप ऑफ इसलिए करते हैं बिकॉज ताकि आपकी जो चेन हो वो काफी ज्यादा ड्राई रहे एंड इसमें ऑयल जो होता है वो डर्ट अट्रैक्ट ना करे। इसके बाद हमारे जो टायर्स है, दिस इज द सीक्रेट थिंग, इससे आपकी बाइसाइकिल प्रॉपर नहीं हो जाएगी। विल टेक दिस ब्रश ओवर हियर, थोड़ा सा वैक्स लेंगे लिक्विड वैक्स, या आप ड्राई वैक्स भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड वैक्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती आती है, जैसे करोलबाग में ये वाली जो चीज है वो हार्डली 120 से लेकर 150 तक मिल जाती है, इसके भी ऑनलाइन लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड वी विल जस्ट डू इट ओवर आर टायर्स एंड इससे जैसे हम ब्रशिंग करेंगे, जो हमारे शू ब्रश है उससे करेंगे, कॉन्स्टेंट शाइन आ जाएगी। जितना आप ज्यादा अपना वैक्स यूज करेंगे उतनी ज्यादा शाइन आएगी, लेकिन आप कम यूज करेंगे तो ज्यादा क्लीन रहेंगे आपके टायर्स एंड इससे आपकी पूरी जो आप देखेंगे प्रॉपर ब्लैकनेस आ चुकी है आपके टायर्स के अंदर। यही वाली सेम टेक्निक जो है वो अपने गाड़ी में भी यूज करता हूं मैं एंड उसी वजह से अपनी जो गाड़ी के टायर्स है वो काफी ज्यादा चमकते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे बता दे सकते हैं कमेंट्स में, आपको कोई और क्लीनिंग हैक पता है आप वो नीचे बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर कर सकूं। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये वाली टेक्निक शेयर करनी है तो उनके साथ चीज शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस फैटबैक वेब ऑफ साइनिंग ऑफ। आपने नानी को ये बोला था कि रेड वाली कार लानी है, लेकिन नानी ने तो वो ले आई, ब्लैकिश कार ले आई नानी, ग्रे कार ले आई वो इंसान। हेलो इंसान, आपने नानी को रेड भाई मतलब ही नहीं है, मेरे को इतना मजा आता था ना, इसको तो मतलब ही नहीं है। ओ, ये क्या है? ये आपके लिए रेड कार है, ये लो, आप बैलून छोड़ दिया। Thank you.
या वेलकम।